अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सुहेल अंजम, एक नई मालूमाती वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम लोग आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं वो इंतहाई इम्पोर्टेंट और इतना दिलचस्प मौजू है कि आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसलिए किसान भाइयों से, फार्मर हजरात से मेरी ये गुजारिश है कि इसको तफसील से सुने ताकि आप जो है मुकम्मल तौर पर इसके बारे में आगाही हासिल कर सकें, जानकारी हासिल कर सकें, ताकि आपको इससे अच्छा फ़ायदा हासिल हो सके। तो जनाब, आज का टॉपिक है कलवंजी की काश्त, कलवंजी की फार्मिंग, कि आप कलवंजी की फार्मिंग करके कितने पैसे कमा सकते हैं, इसकी फार्मिंग कैसे की जा सकती है, इसकी फार्मिंग के लिए मौजू टेम्परेचर क्या है, इसकी फार्मिंग के लिए जो मौजू पीएच स्केल है मिट्टी का वो क्या है, इसको लगाने का तरीका कार क्या है, इसका जो है रेट क्या है, इसकी आपने फसल मुकम्मल होने के बाद सेल कहाँ पे करनी है, ये सारी चीज़ें आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस पे बात करने से पहले मैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग अभी तक जो है हमारी इंफॉर्मेशन से जो है महरूम है, काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारी किसी न किसी तरह से हम तक रसाई हासिल करें, और जो है हमारी मालूम ना सिर्फ इंफॉर्मेशन से बल्कि जो हम आपको प्रैक्टिकल खेत में जाके आपकी हेल्प करते हैं उससे भी आप फ़ायदा उठाएँ, ये आप लोगों के लिए ज़रूरी पैगाम होता है। तो चलते हैं जनाब आज की फ़सल के बारे में। कलवंजी, कलवंजी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक हदीस है उनकी कि अगर मौत के अलावा दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज कलवंजी में नहीं है, यानी कि मौत के अलावा कलवंजी हर बीमारी का इलाज है उसके अंदर। तो हिकमत के अंदर ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। इसका रेट, इसके बेचने की जगह, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, बस आप वीडियो देखते जाइए। सबसे पहले इसको हम तरीकाकार देखते हैं कि इसको लगाने का क्या तरीका होता है। तो देखना ही होता है कि ये कौन कौन से महीने में लग सकती है। तो दोस्तों, इसको लगाने के लिए मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ, उस प्रोसेस के तहत आप चलते जाएँ तो आप एंड तक इस चीज़ को समझ सकेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आप बरसात के महीने से शुरू करते हैं। बरसात के महीने में एक पट्ठा मिलता है, उसका बीज आप लें, जंतर के नाम से पट्ठा होता है, उसकी एक वीडियो भी हमारे चैनल पे मौजूद है, जंतर की काश्त, ठीक है जनाब। तो उसको आप बीज को लें, आप जनाब अच्छी तरह से खेत तैयार कर लें, उसमें जंतर जो है उसका आप छट्टा कर दें, तकरीबन वो चंद दिनों के बाद उग आता है। आजकल बरसात का महीना है, दिन दुगनी और रात चुगनी जो है स्पीड होती है किसी भी चीज़ के ग्रो करने की। तो जो जो उसका ग्रो बढ़ता जाएगा तो ये तकरीबन डेढ़ दो महीने में, ढाई महीने में वो तकरीबन 3 फुट के राउंड अबाउट कम या ऊपर हो जाता है, ज़मीन पे डिपेंड करता है। कुछ ज़मीन ताकत वाली होती है, जल्दी ग्रो कर जाता है, कुछ कम ताकत वाली होती है, थोड़ा स्लो ग्रो करता है, बहरहाल राउंड अबाउट 3 फुट के वो चला जाता है। तो दोस्तों, अगर 3-4 फुट के आपके राउंड अबाउट आपके पास जंतर आ जाता है तो उसको आपने क्या करना है, रूटर लगा के सारे जंतर को आपने जनाब कर देना है, कह लें कि रूटर कर लेना है सारा जंतर, वो सारी ग्रीनरी जो है वो सारे का सारा जो आप कह लें कि आपका है लगा हुआ सब्जा, वो सारा उसके अंदर जो है मिक्स हो जाएगा मिट्टी के अंदर, वो ग्रीनरी बतौरे खाद या बतौरे कह लें कि ह्यूमिक एसिड का काम करेगी, बहुत अच्छी इस तरह से आप इसको खाद प्रोवाइड कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा सोर्स है, आप वो कर लें। सेकेंडली, एक और ऑप्शन भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, वो ऑप्शन जनाब ये है कि आप इस तरह से करें, आप तोरिया ले लें, ठीक है जी। तोरिए की आप जो है बरसात के महीने में आप तोरिया लगा लें, जिस खेत में आपने कलवंजी लगानी मकसूद है आपको, या जिस खेत में आप कलंजी लगाते हैं, अगर आपको जंतर का बीज नहीं मिल रहा तो आप तोरिए का बीज ले लें, वो तोरिया आप उसमें लगाएं। जब तोरिया के ऊपर जो डोडे होते हैं, वो तोरिए की फसल जो है वो उसके ऊपर डोडे पड़ जाते हैं, तो आप ऊपर से डोडे काट लें। ये तकरीबन नवंबर का महीना आ जाएगा जब इसके डोडे ऊपर तैयार हो जाते हैं, पक जाते हैं, पकने पर काटने हैं, कच्चे नहीं काटने, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, वो डोडे आप सेल कर सकते हैं मार्केट के अंदर, अच्छे दामों वो बिक जाएंगे, बाकी उसका नीचे जो नाड़ बच जाता है, जो बच जाता है उसको आपने क्या करना है दोस्तों, उस तने को आपने काटना नहीं है,
रूटर कर लेना है ताकि वो सारे का सारा दोबारा से फिर उस मिट्टी के अंदर बतौरे हैल या बतौरे जो है वो आप खाद आप उसको यूज़ कर लेते हैं, आगे आ जाए यूज़ हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, एक यहाँ पे टेक्निकल मैं आपको बात बताई देता हूँ, आपने क्या करना है, दूध ले लें 2 लीटर दूध एक टंकी मशीन में, स्प्रे वाली जो मशीन होती है वो 20 लीटर की होती है, उसके अंदर 18 लीटर आप पानी डालें, 2 लीटर उसके अंदर दूध दूध डालें, तो जो रूटर की भी खेत है उसके आप उसको छिड़काव कर लें, ठीक है, वो सारा स्प्रे आप करेंगे, ये तकरीबन 2 कनाल तक आपकी एक टंकी जाएगी, 1 एकड़ पे आपकी तकरीबन 4 टंकियाँ जो है वो लग जाएंगी, तकरीबन 4 किलो 8 किलो दूध जो है वो आपका जी तकरीबन 8 किलो दूध आपका 1 एकड़ पे आ जाएगा, ठीक है, इसकी स्प्रे मुकम्मल होगी। उसके बाद ये स्प्रे करने का टाइम है, आपने क्या करना है कि असर के बाद मगरब से पहले आपने ये स्प्रे करनी है, जब ये स्प्रे हो चुके तो उस दिन दूसरे दिन आप कर लें अर्ली मॉर्निंग कर लें या आप जैसे उसको ईजी लें आप उस पर क्यारियाँ निकाल लें। तो क्यारियां निकालने का तरीकाकार ये है, 2 तरीके हैं, जैसे क्यारियां पहले तो देखे हमने निकालनी कैसे हैं, जैसे मूली की क्यारियां निकालते हैं आपने देखी होंगी, जब मूली की क्यारियां निकालते हैं फिर आपने देखा होगा जब हम जनाब कह लें आलू की क्यारियां निकालते हैं, तो इस तरह से आपने उनकी क्यारियां निकाल लेनी है, क्यारियां भी निकल आई। अब क्यारियां निकालने के लिए आपने रुख कौन सा रखना है, यहाँ पे ये भी चीज़ एक टेक्निकल होती है, आप इस तरह का रुख रखें कि जिधर से सूरज निकल रहा है उसकी कह लें कि अगर सूरज मशरक से निकलता है तो दूसरी साइड पे गुरूब होता है ना, तो आप इसके एंगल के बिल्कुल अपोजिट आपने क्यारी निकालनी है ताकि जब सूरज निकले तो वो दोनों साइडों से होके गुजरे, ठीक है जी। यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ आपने देख के करनी है, प्रैक्टिकल जब कहीं में इतफाक हुआ तो मैं आपको इसकी वीडियो बता दूंगा, बाकी अगर ना समझ आए तो आपको मेरे उसमें कमेंट सेक्शन में आप जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको इन डिटेल्स जो है वो बता दूंगा इसका तरीकाकार क्या होता है प्रैक्टिकल तरीके से, थ्योरिकल शायद आपको इतना जल्दी ना समझ में आए। आगे चलते हैं जी, क्यारियाँ भी आपकी निकल आई, अब आपने इसका तोरिए का बीज लगाना है, तो ये तकरीबन आपका बीज लगेगा जी 1 किलो से तकरीबन 5 किलो एकड़ में, तकरीबन लोग डालते हैं 5 किलो एकड़ में इसका बीज जो है वो डलता है, आप जनाब इसका बीज डाल दें, इंशाल्लाह चंद दिनों में आपकी जो है वो कलवंजी ज़मीन से निकल आएगी, और ये तकरीबन जब कलवंजी की फसल होगी 2.5 से 3 महीनों की, राउंड अबाउट 2.5 से 3 महीनों की, मैं राउंड अबाउट इसलिए कह देता हूँ एग्जैक्ट फिगर हम लोग नहीं ले सकते, उसकी वजह ये होती है कुछ आबो हवा का मामला इसमें आ जाता है, कुछ टेम्परेचर का मामला आ जाता है, कुछ इस तरह के मसाइल होते हैं जिनसे आप जो है वो फसल ऊपर नीचे हो जाती है, वरना अगर आप इसको जो हम बनाते हैं टनल बनाते हैं उसके अंदर अगर काश करते हैं वो तो एग्जैक्ट टेम्परेचर वहाँ पे कंट्रोल होता है, हर चीज़ कंट्रोल में होती है, वो आप उसमें से एग्जैक्ट रिजल्ट ले सकते हैं, तो ये चूंकि हम ओपन कास्ट करते हैं इसलिए हमें यहाँ पे राउंड अबाउट कहना पड़ता है। तो जनाब आपके तकरीबन ना 2-2.5 महीने के बाद इसके साथ फूल लगेंगे। अच्छा अब आपने क्या करना है, जब फूल लगने वाले हों या लगने शुरू हों तो आपने इसको तकरीबन ये जो होती है जी आपके पास एनपी नाइट्रोफॉस, ठीक है, उसकी आपने 1 बोरी फी एकड़ डाल देनी है, फ्लड कर देनी है। अगर आपके पास नाइट्रोफॉस नहीं मिल रही तो आपने क्या करना है, आधी बोरी DAP, आधी बोरी यूरिया, आधी बोरी पोटाश की ये आपने फ्लड कर देनी है। ये यहाँ पे दो चीज़ें, या नाइट्रोफॉस आपको मिल जाए वो भी अच्छी है, 1 बोरी वो फ्लड कर दें, अगर ये नहीं करते तो आधी बोरी DAP, आधी बोरी यूरिया, आधी बोरी पोटाश, ये तीनों चीज़ें आपने फ्लड कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, सॉरी, मैंने आपको पहले बताना था कि इसके लिए जो pH स्केल है वो तकरीबन आपका 5-6 pH स्केल, 5-6, 6.5 इसमें होना चाहिए, ज़्यादा ना हो, ठीक है, जो मिट्टी का बुखार होता है वो इतना होना चाहिए। आगे इसका जो टेम्परेचर है, जो इसको टेम्परेचर चाहिए है ये तकरीबन 20-25 के राउंड अबाउट होना चाहिए, ठीक है, इससे जब ज़्यादा होगा तो फसल आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी, ये चीज़ भी आप जहन में रख लीजिए। आगे आ जाते हैं जनाब, हमने क्या किया, इसको स्प्रे कर दी जो मैंने आपको खाद बताई उसके सॉरी फ्लड कर दी खाद जो आपको बताई है, फ्लड होगी सारी। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर जनाब वो बनेंगे छोटे छोटे जो हैं वो कह लें बबल्स, ठीक है, बल्ब जिनको हम कहते हैं, इस टाइप के जो है वो आपके ऊपर डोडे वगैरह बन जाएंगे, वो जब पक जाते हैं तो आप ऊपर से काट लें उनको, अच्छा उनको काट लें, काट के आप सुखा लें,
ठीक है, जो नीचे आपका नाड़, फिर मैं कहूँगा जो नाड़ बच जाता है, आपने उसको नहीं काटना, सिर्फ ऊपर से आपने बबल्स काटने हैं, जो नाड़ है उसको आप रूटर करवा के अगली फसल के लिए आप फिर रख लें, ताकि वो अगली फसल को भी आपका जो है वो हैल जो है आपका जो खाद है वो मिलती रहे। इस तरह से बार बार ज़मीन में सब्ज़ा जो है वो रूटर करने से ज़मीन में ताकत जो है गज़ाई अज्जा जो है वो ज़्यादा होते रहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब बात आती है हमारे जो डोडे थे हमारे पास, जो बल्ब थे वो हमने उतार लिए, उनके अंदर बारीक बीज होते हैं जिनको जनाब कलवंजी कहते हैं। ये वो कलवंजी है जिसको आपने सेल करना है, सुखा के अच्छी तरह से साफ सुथरी करके आपने सेल करना है। सेल करने के लिए हमारे लोग ज़्यादा कहते हैं जी कि इसकी मंडी नहीं है जी, सेल कहाँ पे होगी। तो दोस्तों, हम लोग चूँकि पंजाब से तलक रखते हैं, तो पंजाब में मैं आपको इसकी बेहतरीन जगह बता देता हूँ। आप सीधे लाहौर चले जाएँ, लाहौर में शाह आलमी मार्केट है, इसके अलावा पापड़ मंडी मार्केट है, इसके अलावा वहाँ पे और भी मार्केटें हैं जहाँ पे आप जाके इनको सेल कर सकते हैं। कुछ दुकानदार वहाँ पे बैठे हुए हैं जो आपसे 800 रुपया किलो से लेके 1000 रुपया किलो तक परचेज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक मज़े की बात मैं आपको बताता चलूँ, इसकी जो पैदावार आती है, ठीक है जी, हमने यहाँ पे इसकी जो पैदावार लेनी है वो मैं आपको बताता चलता हूँ। ये तकरीबन फ़ी एकड़ आपकी जो पैदावार आएगी वो आपको पता होनी चाहिए कि फ़ी एकड़ 15 से 20 मन इसकी पैदावार आती है कलवंजी की। नोट कर लें जी, कितनी आती है, 15 से 20 मन तकरीबन फ़ी एकड़। तो उस पैदावार को आप जब साफ़ सुथरा करके मंडी में लेके जाते हैं या उन दुकानदारों के पास बेचने के लिए लेके जाते हैं, ये एक ऐसी फसल है आप इजीली घर पे रख के आहिस्ता आहिस्ता भी सेल करें तब भी हो जाती है। महंगे दामों बेचें, इसको सस्ता ना बेचें, ये आगे बड़ी कीमती बिकती है, आगे ये छटांक में बिकती है, ग्रामों में बिकती है। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, वो जाके सेल करनी है। ये जनाब 800 रुपया अगर आपकी किलो बिकती है या 1000 रुपया किलो बिकती है, मैं 1000 रुपये का रेट लगाता हूँ, इजी रहेगा हम लोगों के लिए साफ करने के लिए। ज़रा मैं रियाजी में कच्चा हूँ, मैंने रियाजी पढ़ी नहीं, आपको तो पता है। अच्छा, आगे आ जाएँ, 1000 रुपया अगर रेट आता है तो ये मन बनती है 4000 रुपये की। ठीक है जी, 1000 रुपया किलो हो तो मन बनती कितने की जी, सॉरी मैं 4000 कह रहा हूँ, ये तकरीबन मन बन जाती है जी 40000 रुपये की मन बन गई, 40000 रुपये की मन बनती है। ठीक है, 1000 रुपया के जी हो तो 40 किलो 40000 रुपये की बन गई। अब आपकी पैदावार 15 से 20 मन है, 40000 को आप आगे जनाब 15 से ज़रब दे दें, ये तकरीबन 15 चौके 60, ये तकरीबन 6-7 लाख रुपया आपका अर्न मिलता है उसमें से, एक एकड़ में से। दोस्तों याद रखें कि कौन सी ऐसी आपके पास फसल है, लोग जो लोग गंदम लगाते हैं, इसके मुकाबले में जो लोग गंदम लगा रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ खर्चे सारे निकाल के अगर आप गंदम का जमा तफरी करें तो आपको जो है गंदम में से एकड़ पे, जिन लोगों की 40-50 मन फी एकड़ औसत आती है, वो 20000-25000 रुपया गंदम में से नहीं कमाते एकड़ में से, यानी कि पूरी फसल का 20 से 25000 रुपया नहीं कमाते अगर वो सारे खर्चे निकालते हैं। तो इस पे देख लें आपने खर्चा क्या किया है, वो भी मैंने आपको सारा बता दिया है। तो इसके जो है जो पैदावार है वो भी मैंने आपको बता दिया है, इसकी जो है आमदन वो भी मैंने आपको बता दी है। अब आप कंपैरिजन कर लें, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप गंदम लगानी छोड़ दें, मिसाल के तौर पे आपके पास अगर 5 एकड़ गंदम लगती है तो आप 4 एकड़ गंदम लगा लें, 1 एकड़ तजर्बे के लिए आप कलवंजी लगा लें, इस मतलब आप 1 एकड़ करें, अगर आपको इसकी फसल इसका रिज़ल्ट अच्छा मिले और अल्लाह करेगा जो आपकी 4 एकड़ गंदम होगी उसके मुकाबले में कलवंजी जो है 1 एकड़ वो भारी फसल होगी, इंशाल्लाह आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगी। तो ये जनाब मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप जो है इसमें ज़रूर एक्सपेरिमेंट करें, ज़रूर इसका तजर्बा करें, ताकि जनाब हमारे मुल्क में जो है वो कलवंजी की पैदावार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, और हम तो खुशहाल होंगे, हमारी फसल अच्छी दिखेगी, हम तो खुशहाल ज़रूर होंगे इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा, तो हमारा मुल्क भी खुशहाल होगा, क्योंकि हम अपने मुल्क से बाहर जब भेजेंगे तो अच्छे दामों बिकेगी और हमारे मुल्क को ज़र्रे मुबादला जो है वो हासिल होगा। तो दोस्तों मेरी फिर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस तरह के काम करें, बजाय एक गंदम पे आप चढ़े रहें, उस गंदम से थोड़ा सा हट के भी, थोड़ा सा हट के, मैं सारा नहीं कह रहा बिल्कुल गंदम छोड़ दें, थोड़ा सा हट के एक एक्सपेरिमेंट करें, अगर आपको अच्छा लगता है तो अगले साल इंशाल्लाह हम ज़्यादा लगाएंगे, ज़्यादा जो है वो पैदावार बढ़ाएंगे और ज़्यादा जो है पैसे कमाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
तो फिलहाल हम 1 एकड़ से स्टार्ट करते हैं। जिनके पास एकड़ नहीं है वो 4 कनाल से स्टार्ट कर लें, जिनके पास 4 कनाल नहीं है वो 2 कनाल से स्टार्ट कर लें, जिनके पास 2 कनाल भी नहीं है वो 1 कनाल से जनाब स्टार्ट करें। आप करें तो सही, ठीक है, फिर उसके बाद आप रिजल्ट देख लेंगे, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही मिलेगा। मैं तो आपको रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, एक बात। दूसरी बात, अगर आपको इसके लगाने में, इसके बीज हासिल करने में, या इसकी आप कह लें कि कुछ चीज़ नहीं समझ में आती, प्रैक्टिकल ज़मीन के ऊपर अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती, तो वो दोस्तों मैं हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप आएँ, मुझे आप जो है वो मैसेज डालें, मैं इंशाल्लाह आपकी जो है वो जो मौके की मुनासबत से आपकी जो परेशानी होगी वो हल करेंगे। इंशाल्लाह आपको जो है वो कहीं भी फसल तैयार होने तक परेशान नहीं होने देंगे, हर तरह की आपकी मावनत शामिल होगी। उसके लिए हमारे बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, बस आप ज़रूरत इस बात की है आप हमें टच रखें और इंशाल्लाह जो है वो हम सब की जो है उसमें बेहतरी है, हमारे मुल्क की बेहतरी है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। जिन लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है वो इसको जनाब लाइक कर दें, जिनको नहीं पसंद आई वही बात है डिसलाइक कर दें। अच्छा, दूसरी बात, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आपको जल्द अज़ जल्द मिल सकें। ये थी जनाब कलवन जी, इसके बाद मैं आपको और मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में, जो सफ़ेद ज़ीरा होता है गर्म मसाले का, उसके बारे में बताऊँगा, वो पैदावार आप फार्मिंग कैसे कर सकते हैं। मैं आपको सब्ज़ इलायची, आप जानते हैं कि जो मसाला जात हैं उनमें रानी की हैसियत रखती है सब्ज़ इलायची, ठीक है, उसकी फार्मिंग के बारे में बताऊँगा। और इसके अलावा बेशुमार चीज़ें हैं, जैसे काली मिर्च के बारे में मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसके बारे में आप जो है वो जानकारी करें। तो दोस्तों हमारी बजाय फारिग ज़मीनें पड़ी हुई हैं तो उनसे कोई ना कोई हम फ़ायदा उठाएं। जिन लोगों जो लोग गंदम पे सिर्फ इंसार कर रहे हैं वो चेंज करें फसलों को, आहिस्ता आहिस्ता वो इन चीज़ों की तरफ आएँ ताकि हमारा मुल्क जो है वो अब इन पैदावार में भी खुद कफील हो। ठीक है दोस्तों, बड़ी मेहरबानी जी, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।